प्यारे बच्चों, फोर नंबर सेट में सिक्स नंबर क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करें, वो पीडीएफ बनाया गया है, उसको मूलधन लिख लेना। दूसरी बात क्या, ऑप्शन में जो है मैं भी थोड़ा गड़बड़ी, उसको ठीक कर लेना। फिर एक बार देखिए लो क्वेश्चन, कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जमा की गई राशि 3 वर्ष में 6690, तो कोई जब पैसा यदि जमा करोगे तो कहता 3 वर्ष में हो जाता है वो 6690, तो जो जमा करोगे प्रिंसिपल जो हो जाता है वो अमाउंट। अब देखो यही धन फिर 6 वर्ष में हो जाता है कितना, 6 वर्ष में हो जाता है 10,035। तो देखो गैपिंग जो है, यहाँ 3 वर्ष है तो यहाँ भी 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष में इसके लिए यदि ये प्रिंसिपल होगा तो ये हो जाएगा अमाउंट। तब ये रुपया इतना हो गया तो 3 वर्ष में हुआ ना, तो प्रिंसिपल ये जो है ये कब हो जाएगा, तो इसका मतलब है 3 वर्ष में ये हो जाता है कितना 10,035, कितना गुना 6690 का, तो यहीं से काट दो, ये 3 ये 2, इसका डेढ़ गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का डेढ़ गुना जो होगा वो होगा 6690, सही है। यहाँ से काटो 2 2 3, 6690 ना, 2 2 3 0, 3 4 2, 6690, 2/3, 3/2, ठीक है। अब देखो पी तो 2230 हुआ, इसका डबल करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें 4460, ठीक। पहला क्वेश्चन शुरू कीजिए। दो समरूप त्रिभुज ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, तो जब ये देखो एबीसी और पीक्यूआर की बात करो, ए पी सी पी क्यू आर समरूप है, तो कहता है ए बी सी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जब ये सिमिलर हो तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर किससे रिलेट किया है, तो ए बी तो 36 परिमाप है, तो परिमाप इसका 36 है, तो इसका मतलब है तो भुजा कितना हो जाएगा, तो 36 का 1/3 यदि किया जाए तो 12, और फिर क्या किया जाए, फिर फर्स्ट की बात करो, सेकंड की बात करो, भुजा सेकंड, तो यहाँ पर कितना है 24, तो 24 करोगे यहाँ, तो 24 का 1/3 कर दो तो 8 होगा। अब इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है तो ए बी की माप क्या होगी, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी के और परिमाप 36 और 24 है, ए बी की माप, तो अब ए बी की माप यहाँ पर देखो, तो ए बी या तो ए बी सी में चलोगे तो 36 होगा, तो 36 ए बी सी और ये होगा पी क्यू आर। अब यहाँ पर एक चीज़ होगा, यदि ये सिमिलर ट्राइंगल होगा तो 12 12 12 करके हो जाएगा, ठीक है, और पी क्यू आर होगा ये होगा 8 8 सिमिलर हो, माने ये का आपका समबाहु त्रिभुज होगा, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ए बी की माप हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर फॉर्म होगा ज्ञात नहीं कर सकते। पहला काम फिर समझो, यदि ये आपका ट्राइंगल ए बी समरूप हो, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ये तो सही है, तो अनुपात तो नहीं पूछ रहा है, ए बी के मान पूछ रहा है, तो ए बी पी क्यू आर से कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ए बी सी 12 यदि भुजा की बात है, तो संभाव त्रिभुज यदि हम फॉर्म करते हैं तो 12 8 का फॉर्म किया, लेकिन संभाव त्रिभुज का कहीं कंडीशन लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है, एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकले, ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर वापस ए पर लौटे, ए 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल जाता है तथा दूसरा 10 किलोमीटर प्रति चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा नदी के बहाव, तो ए पर पहले लौटेगा। अब देखो दो बातें, एक तो हुआ साइकिल से गया, साइकिल से रिटर्न हुआ, दूरी तो बराबर होगा, तो साइकिल वाले के लिए आप एक की बात करें तो रोड वाले की बात, तो साइकिल वाले का
औसत चल। ये क्या होगा, दूरी बराबर है 2 × 12 × 12 बट्टा दोनों जोड़ दो 24, ये ख़त्म, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और नाव वाले की बात करो, नाव वाले की बात करेंगे, पहले डाउन स्ट्रीम होगा तो 10 + 4 होगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम होगा तो 10 × 4 होगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब देखो यहाँ पर जो 14 और 6 की बात कर रहे हैं हम, तो 14 इसका औसत चाल करो क्या हो जाएगा, 2 × 14 × 6 / 20 ठीक है 10, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम बताओ जिसका स्पीड अधिक होगा वो पहले जाकर रिटर्न होगा, जिसका कम होगा वो सो अधिक समय लगेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो साइकिल से जाने वाला जो विद्यार्थी है वो पहले पहुंच जाएगा, ठीक है आंसर होगा साइकिल से जाने वाला। तो यहाँ होगा साइकिल से जाने वाला, अगला जब एक साइकिल मूल्य 10-20% कम हो जाता है, तो 20% कम का मतलब हो गया कितना, 80%, 20% बढ़ जाता है इसका मतलब हो गया 120%, तो अब 80% का 120% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 96%, अब 96% 100 से कम है तो 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट। अच्छा एक बार बताए थे फर्स्ट में कि उल्टा क्वेश्चन दिया, एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर यदि ए हो, यदि एक्स प्लस वन बाय एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की बात, तो इसकी बात होगा तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस टू बराबर बी बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर यदि होगा तो बी स्क्वायर माइनस टू बराबर सी, इससे ये सब ध्यान रखना, उससे उल्टा क्वेश्चन आया था इसको सीधा क्वेश्चन कर दो। अब देखो एक्स माइनस वन बाय एक्स बराबर टू है, तो हमको निकालना है एक्स फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर घटे 2, 4 में 2 गया प्लस 2, 4 × 2 = 6, अब एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर निकालना है तो 6 का स्क्वायर - 2 तो 36 में 2 घटाओ, आंसर क्या हो जाएगा 34, 34। इसको ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आओ एक सम षष्ठभुज जिनकी प्रत्येक भुजा 2 उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो जब ये सम षष्ठभुज होगा सभी भुजा बराबर होंगे, तो षष्ठभुज की बात करो ठीक है सभी भुजा बराबर, तो इसका मतलब इसमें बनेगा कितना समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो जैसे ए होगा तो ए होगा तो ए होगा तो 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, ऐसा 6 बन जाएगा ना, तो 6 बन जाएगा तो यहाँ भुजा क्या है तो 6 × √3/4 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 खत्म, आंसर क्या होगा 6√3, आंसर इसका लिखोगे 6√3 वर्ग सेंटीमीटर।
अगला आपके पास क्या है, ए बी सी डी एक वृत्त के व्यास हैं, व्यास तो व्यास तो जानता है कि बीचों बीच काटेंगे, तो मान लो ये है और ये है ए बी सी डी, मान लो ये सेंटर ओ जाए। अब कहता है ओ बी डी 50 है, ओ ओ बी डी 50, ये आपका 50 है, ठीक। तो कहता है कि ए ओ सी क्या होगा, ए ओ सी क्या होगा, ठीक। तो इसका मतलब है ए ओ सी क्या होगा, यहाँ पर देखो ये 50 है तो कन्फर्म है कि ये दोनों रेडियस होगा, ये आर होगा, ये भी आर ही होगा, तो रेडियस होगा। तो जब भुजा बराबर होता है तो आपका आमने सामने कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो 50 तो ये भी क्या होगा, 50 होगा। तो 50 50 100, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। 50 100 हो गया तो 80 डिग्री हो गया। और यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती हो तो ये क्या होता है, शीर्षामुख कोण बराबर होता है। तो शीर्षामुख कोण बराबर होता है, ये एक्स है तो ये एक्स है, तो वाई है तो वाई होगा। तो अब यहाँ पर मान लो 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब ए ओ सी जो होगा आपका 80 डिग्री होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी अलग अलग काम करके इसी काम को क्रमशः 11 20 और 55, ए 11 बी 20 और सी 55, ठीक है। कहता है यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए को सहायता करें तो काम कितना, पहले तो एक काम करो, इस तरह क्वेश्चन कभी रहे तो सबका एलसीएम ले लो। तो इस सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, 110 220 कर दो, 232 करोगे तो इसका क्या गुना है, 20 गुना। इसका क्या गुना है, 11 गुना। इसका क्या गुना है, 4 गुना, ठीक है। अब देखो इतना 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 काम करेगा, अब किसको कौन सपोर्ट कर रहा है, तो कहता है क्वेश्चन में ए को सपोर्ट कर रहा है बी एक दिन, तो पहला काम करो ए प्लस बी करो और फिर एक करो ए प्लस सी करो, ठीक है। तो इधर ये सपोर्ट करेगा तो 20 और 11, तो बी और सी एकांतर दिन ए को सहायता करो तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब यहाँ पर यदि सहायता करेगा तो क्या होगा, 20 प्लस 11, ठीक है, 31, और यहाँ होगा 20 प्लस 4, कितना होगा, 24। अब दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 55। तो 55 काम कितना दिन, 2 दिन। तो कितना काम है, 220, तो 2/55 220, आंसर कितना होगा, 8, ठीक है। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है, जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो पेड़ की ऊंचाई के, नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष, मान लो ये है, यहाँ पर आदमी है, पेड़ है, ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। अब कहता है इससे 40 मीटर दूर चला जाए, तो 40 मीटर दूर चला जाएगा कितना बना रहा, 30, तो बताए थे 60 30 90, तो 60 30 90, ये दो तीन बार बता चुके हैं, ध्यान दोगे, ये एक होगा, रूट तीन होगा, ये दो होगा, ठीक। तो 30 वाला वैल्यू है तो 30 वाले के लिए 60 होगा, ये रूट वन है, वन होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, रूट थ्री होगा, और 60 वाले के लिए 30 होगा, तो 30 होगा तो ये 60 है तो इसका रूट तीन होगा, तो ये हो जाएगा 1, इसको रूट तीन से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 3, तो यहाँ तक एक होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, तो कहता पेड़ की ऊंचाई, तो पहले तो एक काम करो, तो 2 बराबर के तुम्हारे पास कितना दिया, 40 मीटर, तो एक का वैल्यू 20 होगा, तो रूट तीन का वैल्यू क्या होगा, तो 1.732 × 20, ठीक है, क्या होगा, 4 6 70 × 34, तो इसका मतलब हुआ 34.64 हो जाएगा, 34.64।
चलिए क्वेश्चन अगला है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो 900 रुपया मिली कितने दाम अंकित करके 10% लाभ हो। अब बताओ 10% डिस्काउंट प्राप्त है तो रियल दाम उसका क्या हो, तो अंकित मूल्य, तो मार्क प्राइस जो होगा उसका 90%, 10% डिस्काउंट दिया तो 90% हो, तो 90/100 जो होगा वो होगा 900। यहाँ से काट, इसका मार्क प्राइस उसका 1000 होगा। अब 10% उसको प्रॉफिट चाहिए, लाभ चाहिए, तो 1000 का 110% 1100। ठीक है, अगला ये अगला क्वेश्चन वो के पास है कि एक ट्रेन जो कि 75 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, एक दूसरी ट्रेन 100 मीटर लंबी है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चले, तो विपरीत दिशा जब ये होगा तो हमेशा विपरीत दिशा में क्या होता है, जुड़ता है, और समान दिशा में क्या होता है, घटता है। तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, अपेक्षित चाल जो होगा वो होगा 60+65 125। तो मीटर पर सेकेंड चेंज करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, तो ये 125 × 5/18, ठीक है, तो 625/18 रहने। अब क्या करें, मीटर पर सेकेंड, अब क्या करें, तुम्हें कहता है जब कोई भी डायरेक्शन चलेगा तो हमेशा लेंथ क्या होगा, जुटेगा ही, तो समय बराबर होता है कुल डिस्टेंस, कुछ लंबाई, तो 75 + 100 / 625 / 18 = 175 / 7 = 25, तो क्या हुआ 18 × 7 = 126 / 25, 25 × 5 = 125, 5 point something, तो 5 point क्या होगा, 0.04 सेकेंड, 5.04 सेकेंड। अगला ये 11 में क्या, यदि राम को 30% अंक मिले तो किंतु 15 अंक से फेल हो जाता और मोहन 40% लाया तो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक लाया। अब बताओ पास होने के लिए क्या राम को चाहिए, पास होने के लिए चाहिए आपको राम को क्या चाहिए, 30% + 15, और पास होने के लिए किसको, ये तो राम का था, मोहन को क्या चाहिए, 40% से 35 कम। अभी देखो ये पास दोनों तो बराबर ही है ना, तो दोनों का डिफरेंस बोलो, तो अंतर यदि लेते हैं तो अंतर होगा कितना, तो परसेंटेज डिफरेंस होगा 10% होगा, तो मार्च डिफरेंस जो होगा वो होगा 15 - 35, इसका मतलब 50, तो इसका मतलब हो गया 50 नंबर का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, तो 10% का वैल्यू 50 हो गया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर 15 नंबर चाहिए, तो पास जो होगा वो क्या होगा, 30% + 50 10% 10% / 50 × 15, ठीक है, यहाँ से काट दो, कितना परसेंट चाहिए, 33% में बच्चा क्या होगा, पास कर रहा है। फिर एक बार समझो, परसेंट को एक साथ ले, परसेंट का अंतर लेते हो तो 10% आ रहा है, अंक का अंतर लेते हो तो 50 आ रहा है, तो 50 नंबर जब 10% हो सकता है तो 15 नंबर फेल कर रहा है,
तो 15 नंबर की बात करें तो 10% 50, तो 15 नंबर कितना परसेंट होगा, 3%, तो 30% था ही, 3% और आ जाएगा, तो कितना होगा 33% में वो लड़का बच्चा पास कर जाएगा। चलिए, राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी की आयु के 1/3 है, राम के पुत्र की आयु राम के पत्नी के आयु का 1/3 है। तो राम का सन, राम के वाइफ 1/3, ठीक है। राम की पत्नी का राम की आयु का 4/5 है, राम की पत्नी राम के आयु का 4/5 है, ठीक है। अब कहता राम के आयु अपने पिता के आयु का 3/5 है, राम और राम के जो फादर हैं उसका क्या है 3/5। अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन में क्या करें, तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात करें थी, राम के पिता की आयु 50 वर्ष है। तो एक काम करो, पहले सबको चेंज करो, राम की पत्नी यहाँ 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या होगा 3 से, तो ये 3 से हो जाएगा। अब जब यहाँ 15 बनाना है तो इसको 15 बनाना है, तो ये 15 कैसे होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये हो 25। तो 25 का वैल्यू जो है फादर जो है 25, ये हो जाए 25 का वैल्यू कितना 50, तो यूनिट वैल्यू क्या होगा 2। अब तुम्हारे पास पूछ रहा कि राम के पिता के 50 है, तो पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु क्या है 4, तो पुत्र जो होगा 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो 4 × 2 = 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब देखो 5Q, 6Q, ….10Q। अब तो ये फॉर्मेट तो पढ़ता होगा, एक पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मेट है, 1Q + 2Q + 3Q ….NQ क्या फॉर्मूला होता है, जोड़ n² n + 1² / 4 योग होता है। क्वेश्चन कहाँ शुरू है, क्वेश्चन है 5 से शुरू, तो 5Q + 6Q …10Q इसको हम लिख सकते हैं 1Q से 10Q माइनस 1Q से 4Q, ठीक है। तो यहाँ जो लिखो 1Q से 10Q, तो 10 × 10 × 11 × 11 / 4, और ये लिखेंगे माइनस 4 × 4 × 5 × 5 / 4। अब देखो 4 से 4 हटा दो, यहाँ से 5 25 25 25 तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 25 × 5 × 5 = 25 घटा क्या होगा 121 माइनस 4। अब देखो 125 × 117, ठीक है। अब देखो गुना कर दो, पच्चीस सत्य 175, 17 25 और 17 42, 25 × 4 = 29, आंसर क्या होगा 2925, तो इसका आंसर लगाओ 2925। ये सब फॉर्मूला याद रखो, स्क्वायर का, क्यूब का, प्लेन का। चलिए, यदि किसी संख्याओं के एक एक से, देखो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हो भी चुका है, भाग देने पर शेष कितना था 25, तो कोई भी नंबर है उसको तुम 121 से भाग दो तो शेष कह रहा है कितना 25, तो रिमाइंडर में भाग दो
25 में भाग दो कितना से 11 से, तो 25 में 11 से भाग दो, 11 दूना 22, कितना रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अगला। ए एक व्यापार 3000 रुपया एक वर्ष के लिए विनियोग करता है, बी को कितने रुपए विनियोग करता है ताकि एक वर्ष बाद लाभ क्या हो 2:3। देखो समय तो कांस्टेंट है, तो जब समय कांस्टेंट है तो बताए थे पूंजी का अनुपात बटेगा, तो ए और बी, इसने पूंजी कितना लगाया, इसने पूंजी लगाया 3000, ये पूंजी कितना लगाया पता नहीं, तो नहीं पता है तो इसको मिलता है 2 रुपया लाभ, इसको मिलता है 3 रुपया लाभ। अब 2 का वैल्यू जो काटोगे तो 1500 हो गया, तो यूनिट वैल्यू 1500 हो गया, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 1500 का ट्रिपल कर दो कितना हो जाएगा 4500 रुपये, इसका मतलब बी कितना रुपया लगाया 4500। नेक्स्ट, अब देखो इसी साइड से अगला क्वेश्चन में यहाँ समय की चर्चा है। 30000 रुपये लगा व्यापार किया, 4 महीना बाद बी को शामिल किया गया वर्ष का, तो 4 महीना बाद जो शामिल होगा तो 8 महीना के लिए शामिल होगा, तो ए बी, तो मैं बताया था अभी तो पूंजी पर बटा था, ये पूंजी गुने समय का जो प्रोडक्ट होगा वो लाभ का रेशियो होगा। अब यहाँ पर इसने लगाया 30000 रुपया, अब कितना महीना के लगाया तो पूरे साल भर के लिए 12 महीना। अब ये भाई साहब कितना लगाए नहीं पता, तो ये लगाए 100 रुपया, कितना में 4 महीना बाद है 8 महीना, तो इसकी कमाई क्या शो कर रही है, इसकी इस कमाई शो कर रही है 9, इसकी कमाई शो कर रही है 4। अब यहाँ से देखो तो इससे रिलेट करोगे तो यहाँ से यहाँ काटोगे, यहाँ से काटो तो ये क्या आ जाएगा 2 से काटोगे 6 से काटोगे 2 3 6 3, तो 3 से काटोगे तो यहाँ कितना 10000। अब क्या उन्हें बच गया अकेले एक्स बच गया, तो इसको रिलेट करोगे इससे, इसको रिलेट करोगे इससे, तो अब यहाँ पर रेशियो फॉर्म किया तो यहाँ पर होगा 2, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 109 और 2 तो 20000। इसका मतलब है बी ने कितना रुपया लगाया 20000 रुपये। चलिए नेक्स्ट आइए, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज 15 रुपये का अंतर। एक बात है 2 को याद रखो, 2 वर्ष के लिए डी बराबर होगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, और 3 वर्ष के लिए याद रखिए ये 2 ही क्वेश्चन आता है, डी बराबर पी आर स्क्वेयर तो 300 प्लस आर अपॉन क्या होगा 100 पावर 3। अब देखिए 2 वर्ष का तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो 15 तो डिफरेंस हो गया, पी निकालना, आर कितना दिया 10 × 10, अब बटा क्या होगा 100 × 100। ठीक है, तो अब यहाँ से 100 तो काट दोगे तो पी जो होगा वो क्या होगा 1500 रुपये। अगला, ये एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, उनमें से कुछ हिस्सा 8% दूसरा 18%, पूरे पर 14, तो 8% 18% ये 14%, देखो तो कितना रहा ये 4, यहाँ रहा 6, तो रेशियो क्या बन जाएगा 2:3, तो 3 × 2 = 5। अब 18% इधर वाला पूछ रहा है तो 3/5 × 50 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 30 kg। लास्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें फॉर्म करो, तो लास्ट क्वेश्चन यदि फॉर्म करते हो उसमें क्या करें, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे सिक्कों का मूल्य
मूल्य का योग है 210, जो क्रमशः 5, 6, 8 के अनुपात में है, तो 5 सिक्कों का मूल्य जो क्रमशः किस में है, 5, 6, 8 में, तो सिक्का है 5, 6, 8 में, 5 है, 6 है, 8 है, तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब बताओ ये तो हो गया सिक्का। अब देखो इसको हम 100 पैसा से यदि मल्टीप्लाई करें तो ये 500 हो जाएगा, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करें 300 हो जाएगा, इसको हम 25 गुना करें तो 200, जोड़ो 5, 3, 8, 2, 10। अब यहाँ पर जो होगा ये 21 कितना, 210 रुपया 210 है, इस पर 2 गुना और लगा दो तो यूनिट वैल्यू क्या होगा 21, तो 21 हुआ तो 1 रुपया वाला क्या होगा सिक्का 5, तो इसका मतलब 5 का वैल्यू क्या होगा 21 × 5, आंसर क्या होगा 105 सिक्के। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो प्रॉब्लम हो वो देखते रहो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आराम से बच्चों के बीच आप क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते रहो।